लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीन भाई मनपा चुनाव को लेकर चल रहे दल बदल पर बीजेपी के जिला महामंत्री विजय घाटे ने शिवसेना और महाविकास आघाड़ी दलों पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल अंदर से खोखले और कमजोर हैं, इसलिए कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को फोड़कर अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नवीन भाई की जनता बीजेपी के साथ है। विजय घाटे ने दावा किया कि नवीन भाई में बीजेपी 97 बूथों पर नई नियुक्तियों के जरिए अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है, जो आने वाले मनपा चुनाव में आघाड़ी दलों को धूल चटाने का जरिया बनेगा। देखिए रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं का दूसरे पार्टी के हाथ में राह ले लेता है, ये राजनीति तब शुरू हो जाती है जब कोई एक पार्टी अच्छा काम कर रही होती है या व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है उससे प्रभावित होकर जब चुनाव आ जाते हैं ये दल बदल वगैरह होता है। ज्यादातर जो उम्मीदवार कच्चा होता है वो हो सकता है ऐसे छोटे छोटे पदाधिकारियों को न्यूज बनाने के लिए वगैरह सब कर लेते हैं। जहां तक लोगों का सवाल है तो लोगों को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद का स्वयंसेवक, ये सारे मेरे दरवाजे पे आके मुझे पूछ के गए हुए ऐसे 2.5 लाख फैमिली आपको बताया जाए जा सकती है। नवी मुंबई में मनपा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही दल बदल तेज हो गया है। सत्तारूढ़ शिवसेना बीजेपी कार्यकर्ताओं को फोड़ने में जुटी है। हालांकि इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए बीजेपी के जिला महामंत्री विजय घाटे ने कहा कि सत्तारूढ़ सरकार और शिवसेना कोरोना काल में जनता को सेवा देने में पूरी तरह फेल रहे हैं, इसलिए दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं के सहारे जनाधार बढ़ाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। विजय घाटे ने दावा किया कि बीजेपी आम जनों की पार्टी है और आम जन सदैव बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग और 97 बूथों पर संगठन को दी जा रही मजबूती के चलते आने वाले मनपा चुनाव में आघाड़ी दलों को बीजेपी की ताकत का एहसास होकर रहेगा। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो शिवसेना जिस तरीके से कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ अपनी विचारधारा छोड़ के गई है, तो वो छोड़ने के बाद इतना लोगों को पता चला है कि ये तीनों पक्षों का साध्य ये सिर्फ सत्ता है, गरीबों का कल्याण या लोगों का कल्याण ये नहीं है। और पिछले 1.5 साल में अनुभव कर रहे लोगों ने, ये तीनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने, कुछ लोगों ने किया होगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने नहीं किया, लेकिन जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी के ऊपर थे, पालक मंत्री है या एमपी है, उन्होंने नवी मुंबई के लिए क्या किया? ना नवी मुंबई वालों को कुछ सहायता मिली, ना नवी मुंबई को आधार मिला, ना नवी मुंबई के लिए कुछ योजनाएं मिली, ना नवी मुंबई को फंड भी मिला। सिर्फ हमने जो काम किए उसका उद्घाटन के लिए ये लोग दोनों आते थे, उद्घाटन करके चले जाते थे। वो आप जैसे महानगर पालिका के चुनाव आ जाएंगे तो मेरे पास फिर बचा क्या? तो भाई इनका तोड़ो, उनका तोड़ो, कुछ न्यूज़ बना दो, फिर उसकी कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है, उसका एक्सप्लेनेशन देते रहो। मराठी में कहते हैं दोन हाना पण पाटील म्हणा। ये तरीके का राजनीति जो चल रहा है वो लंबे अरसे तक नहीं चलती। गौरतलब है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और नगर सेवकों का सबसे अधिक पलायन नवी मुंबई के ऐरोली विधानसभा क्षेत्र से हुआ है, जहां गणेश नाइक विधायक हैं, जबकि यहां शिवसेना का वर्चस्व बढ़ा है। लेकिन जिला महामंत्री विजय घाटे का दावा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि चंद नगर सेवकों के जाने का मतलब यह नहीं है
कि बीजेपी को चाहने वाली जनता और उसके समर्थक चले गए हैं। विजय घाटे ने कहा कि राष्ट्रवाद और विकास को समर्थन करने वाली जनता आज भी नवी मुंबई बीजेपी के साथ है, जो चुनाव में नजर आएगा। अभी मुंबई में हम लोग हर एक बूथ के ऊपर एक बूथ प्रमुख और उसके 30 सहकारियों की टीम बना रहे, करीब करीब 90% हमारा काम हो गया। वो ऐसे नहीं हुआ है, कोई एक नेता चला गया है या कोई एक कॉरपोरेटर चला गया है, उससे कोई पार्टी में फर्क नहीं पड़ता, पार्टी एक नया बना लेती है। आज भी जो लोग चले गए हुए हैं वहाँ से कुछ लोग चुन के आ भी सकते हैं अपने काम पे के बलबूते पे, ना कि वोटर के वजह से, पार्टी के वजह से नहीं। और कई लोग जो है इनको इस बार धूल चटानी पड़ेगी, क्योंकि उनको काम नहीं है, उनके पीछे एक नेतृत्व खड़ा था, वो नेतृत्व के नाम पे आ रहे थे, वो आज उनके पीछे अगर खड़ा नहीं है तो उनको बहुत बड़ा सेटबैक मिलने वाला है। आज भी जो छोड़ के गए हुए हैं उनको आने वाले दौर में उनको फेस करना पड़ेगा। और जिस तरीके से उनका छटपटाना चल रहा है, तो ये छटपटाना खुद बता रहे हैं कि ये अपने आने वाले राजनीति के भविष्य पे कॉन्फिडेंट नहीं है, नहीं तो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते, लोगों के सामने ढोल बजा के तमाशा करके खड़े नहीं होते, अपने काम लेके खड़े हो जाते थे। आज दिखाने के लिए काम कुछ नहीं है, यही उनका प्रॉब्लम। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी और इंडिया।